इस वीडियो में दी गई जानकारी एक्सपीरियंस के आधार पर दी गई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो का उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। अगर फिर भी इस वीडियो से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो लाइमलाइट वर्ल्ड उनसे क्षमा मांगता है। नमस्कार दोस्तों, इस बात से झुठलाया नहीं जा सकता कि भारत में जाति सर्वव्यापी तत्व है। ईसाइयों, मुसलमानों, जैनों, बौद्धों और सिखों में भी जातियां हैं और उनमें भी उच्च निम्न तथा शुद्ध अशुद्ध जातियों का भेद विद्यमान है। लेकिन बात सिर्फ हिंदू जातियों की इसलिए होती है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं और जातियों में फूट डालकर या जातिवाद को बढ़ावा देकर ही सत्ता हासिल की जा सकती है या धर्मांतरण किया जा सकता है। राजनीतिक पार्टियों और कट्टरपंथियों को हिंदुओं को आपस में बांट कर रखने में ही भलाई नजर आती है। जैसा कि हमारे हिंदू समाज की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, जात पात का भेदभाव रखना। इन्हीं जात पात की आपसी मतभेद के कारण हमारा देश भारत कई वर्षों तक गुलाम बना रहा। जब हमारे देश हिंदुस्तान पर मुगलों ने हमला किया, तब मिलकर सामना करने की बजाय हम आपसी मतभेद के कारण जातियों में बटे रहे। उस दौरान यह कहा गया कि जो क्षत्रिय है वह लड़ेगा और जो नीची जाति का है वह बैठकर केवल तमाशा देखेगा। जिन लोगों को हम नीची जाति का कहकर अपमानित करते रहे, उन्हें चमार कहकर संबोधित करते रहे, यहाँ तक कि हमारे पूर्वज जिन्हें छूने से भी कतराते थे, असल में वो लोग चंवर वंश के क्षत्रिय हैं। इस बात का खुलासा डॉक्टर विजय सोनकर ने अपनी एक पुस्तक में किया था। जब भारत देश पर तुर्कियों का शासन हुआ करता था, उस समय चमार कहकर पुकारे जाने वाले इस वंश का भारत के पश्चिमी भाग पर शासन था। इस वंश के राजा चंवर सेन थे। आज जिन लोगों को चमार कहकर संबोधित किया जाता था, इतिहास में कभी उन लोगों को ऐसा कहकर संबोधित नहीं किया जाता था। प्राचीन समय में ना तो चमार शब्द पाया जाता था और ना ही ऐसी कोई जाति हुआ करती थी। चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। मुस्लिम लोग जब हिंदुओं पर दबाव डाल रहे थे और हिंदू धर्म पर अत्याचार कर रहे थे, तो चमार कहलाने वाले इन्हीं लोगों ने उन मुस्लिम लोगों का डटकर मुकाबला किया था और उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। इन लोगों को दबाने के लिए सिकंदर लोदी ने बलपूर्वक उन्हें चर्म के काम में ढकेल दिया था और इन लोगों का अपमान करने के लिए उसने पहली बार चमार शब्द का प्रयोग किया था। चमार कहलाने वाले इस जाति के गुरु रैदास थे, जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सारी दुनिया के सामने मुल्ला फकीर को लड़ाई में हरा दिया था। मुल्ला फकीरों ने अपनी हार मान ली थी और कुछ तो हिंदू भी बन गए थे, जिसकी वजह से सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया और उसने संत रैदास को जेल में डाल दिया। परंतु जल्दी ही चंवर वंश के इन वीरों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके कारण सिकंदर लोदी को मजबूरन संत रविदास को छोड़ना पड़ा। चंवर वंश के इन वीरों ने कई बलिदान दिए, हिंदू धर्म का हमेशा से पूरा साथ दिया और कमाल की बात तो यह है कि इतने जुल्म सहन करने के बाद भी इस वंश के वीर हिंदू ही बने रहे और उन्होंने इस्लाम को कभी नहीं अपनाया। और विडंबना तो देखिए, हम हिंदुओं को अपनों से ज्यादा भरोसा उन अंग्रेजों पर था, जिन्होंने झूठ बोलकर हमारे भाइयों को अछूत बना दिया। अगर आज हमारा हिंदू समाज टिका हुआ है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान चंवर वंश के इन वीरों का भी है, जिन्होंने नीच कहलाना पसंद किया, दूसरों के नीचे काम करना पसंद किया, परंतु इस्लाम धर्म को कभी नहीं अपनाया। यह सब जानने के बाद आप लोगों को तो यह समझ जाना चाहिए कि हम लोगों के समाज में कोई नीच कोई चमार नहीं है। हम सब एक जैसे हैं और एक ही रहेंगे। ऊंच नीच का इतना भेदभाव पहले नहीं था जितना कि अंग्रेजों के समय हुआ। अंग्रेजों और मुगलों ने मिलकर इस भारत को जातियों में इतना विभाजित कर दिया कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। आशा करता हूं कि चंवर वंश के इन क्षत्रियों के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।